हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाई स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 22 जून से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं तथ्य हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1555 ईस्वी में आज ही के दिन मुगल सम्राट हुमायूं ने अपने पुत्र अकबर को अपना वारिस घोषित किया था। सन 1770 ईस्वी में आज ही के दिन अमेरिकी कांग्रेस ने संयुक्त राज्य अमेरिकी न्याय विभाग की स्थापना की थी। सन 1897 ईस्वी में आज ही के दिन चापेकर भाइयों दामोदर और बालकृष्ण ने पुणे में एक ब्रिटिश अधिकारी को गोली मार दी थी। सन 1900 ईस्वी में आज के दिन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी गणेश घोष का जन्म हुआ था। सन 1906 ईस्वी में आज के दिन स्वीडन ने राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। सन 1911 ईस्वी में आज के दिन किंग जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के राजा बने थे। सन 1932 ईस्वी में आज के दिन भारत के प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर का निधन हुआ था। सन 1939 ईस्वी में आज के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सन 1941 ईस्वी में आज के दिन द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने सोवियत रूस पर आक्रमण किया था। सन 1944 ईस्वी में आज के दिन अमेरिका ने सेवानिवृत्त सैनिकों की मदद के लिए कानून बनाया था। सन 1978 ईस्वी में आज के दिन जेम्स क्रिस्टी ने प्लूटो के चंद्रमा सेवन की खोज की थी। सन 1981 ईस्वी में आज के दिन अमेरिकी संगीतज्ञ जॉन लेनन के हत्यारे ने अपना अपराध कबूल किया था। सन 1986 ईस्वी में आज के दिन अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना ने यादगार हैंड ऑफ गॉड गोल किया था। इंग्लैंड के खिलाफ विश्व कप क्वार्टर फाइनल मुकाबले में गेंद माराडोना के हाथ से लगकर गोल में चली गई थी, जबकि रेफरी ने समझा था कि गेंद उनके सिर से लगी है, लिहाजा उसने गोल दे दिया। इस मैच में जीत दर्ज करके अर्जेंटीना अंततः टूर्नामेंट जीतने में कामयाब रहा। सन 1996 ईस्वी में आज के दिन लॉर्ड्स में टेस्ट क्रिकेट में सौरव गांगुली ने अपने डेब्यू मैच में 131 रन का स्कोर बनाया था। सन 2000 ईस्वी में आज के दिन प्रमुख हिंदी कवि केदारनाथ अग्रवाल का निधन हुआ था। सन 2007 ईस्वी में आज के दिन सुनीता विलियम्स अपनी टीम के साथ धरती पर लौटी थी। सन 2009 ईस्वी में आज के दिन 21वीं सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई दिया था। सन 2019 ईस्वी में आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से रूसी ज्वालामुखी रायकोव के 700 मीटर चौड़े क्रेटर से लावा निकला था। इस ज्वालामुखी के फूटने से पूरी गर्मियों में उत्तरी गोलार्ध में सूर्यास्त बैंगनी रंग में बदल गया था। सन 2020 ईस्वी में आज के दिन नेपाल के संसदीय पैनल ने नागरिकता कानून में संशोधन का प्रस्ताव रखा था। प्रस्तावित संशोधन के तहत किसी भी विदेशी देश की महिला जो नेपाली नागरिक से शादी करती है उसे 7 साल के लंबे समय के बाद प्राकृतिक नागरिकता मिल जाएगी। सन 2020 ईस्वी में आज के दिन रिकेन इंस्टीट्यूट द्वारा कोबे में जापानी सुपर कंप्यूटर फुगाकू ने अब सबसे तेज होने के लिए विश्व प्रतियोगिता जीती थी। तो ये थी आज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।